जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने आज कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने संयुक्त कार्यालय में विभिन्न पटलों, न्यायिक अभिलेखागार, फर्म कक्ष, लाइब्रेरी, राजस्व अभिलेखागार, स्ट्रांग रूम आदि का गंभीरता पूर्वक निरीक्षण करते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संयुक्त कार्यालय में LBC पटल पर स्थानीय निकाय से संबंधित रजिस्टर देखे तथा शासन स्तर से लंबित संदर्भों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए शेष एक लंबित संदर्भ को समय से निस्तारित करने के निर्देश LBC को दिए। जिलाधिकारी ने आबकारी वाद सहायक पटल पर अलमारी खुलवाकर देखी तथा आबकारी वाद निस्तारण की स्थिति को देखा। परिवाद अनुभाग में आयुक्त एवं जिलाधिकारी से प्राप्त शिकायतों की पंजिका देखी तथा कनिष्ठ सहायक को निस्तारण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी नगर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन तथा नगर मजिस्ट्रेट को भी संयुक्त कार्यालय के पटलों के निरीक्षण हेतु निर्देशित किया तो उन्होंने भी संयुक्त कार्यालय के पटलों का निरीक्षण किया। राजस्व परिषद के लंबित वादों की जानकारी प्राप्त करते हुए जिलाधिकारी ने उनका समय से निस्तारण करने तथा अनुस्मारक पत्र भेजने के निर्देश दिए। राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग आदि के लंबित प्रकरणों में न्याय सहायक को अनुस्मारक पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। वेतन सहायक पटल पर जिलाधिकारी ने सामान्य भविष्य निधि पासबुक तथा अंशदायी पेंशन पासबुक को निकलवाकर देखा तो सभी पासबुकें पूर्ण पाई गईं। जिला भूमि व्यवस्थापक पटल पर जिलाधिकारी ने लंबित प्रकरणों का विवरण देखा तथा समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अलमारी खुलवाकर देखी तो पत्रावलियां सुव्यवस्थित तरीके से पाई गईं। राजस्व सहायक पटल पर पहुंचकर जिलाधिकारी ने अलमारी को खुलवाकर देखा तथा पटल सहायक के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी को सभी पटलों पर कार्य संतोषजनक मिला जिस पर उन्होंने और बेहतर एवं समयबद्धता के साथ कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संयुक्त अभिलेखागार पहुंचकर पत्रावलियों की वीडिंग स्थिति के संबंध में जानकारी ली तथा एक बस्ता भी निकलवाकर देखा। जिलाधिकारी ने संयुक्त अभिलेखागार में सभी बस्ते एवं पत्रावलियां सुव्यवस्थित तरीके से रखी पाई। न्यायिक अभिलेखागार में जिलाधिकारी ने काफी पुरानी पत्रावलियां रखी पाई जिस पर उन्होंने कहा कि 107, 116 की पत्रावली ज्यादा समय तक अभिलेखागार में न रखें। उन्होंने एडीएम सिटी से कहा कि ये देखें कि कितने समय बाद 107, 116 की पत्रावलियां वीट की जा सकती हैं और उनका नियमानुसार वीट कराया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने पुराने रिकॉर्ड के रजिस्टर भी उतरवा कर देखे तथा ये भी जानकारी ली कि एक माह में कितनी नकलें जारी होती हैं। जिलाधिकारी ने फॉर्म कक्ष, लाइब्रेरी में पहुंचकर मुरादाबाद गजेटियर निकलवाकर देखा और बीच में रखी अलमारियों के संबंध में नाजिर गोपी कृष्ण को निर्देशित किया कि अलमारियों को एक साइड से रखवाएं और लाइब्रेरी में समाचार पत्र मंगवाने की व्यवस्था की जाए। राजस्व अभिलेखागार में पहुंचकर जिलाधिकारी ने वीडिंग स्थिति के संबंध में जाना तो बताया गया कि अधिकारी नामित नहीं होने की वजह से 2005 से वीडिंग नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देशित किया कि अधिकारी नामित कर जिन फाइलों का समय पूर्ण हो गया है उनकी वीडिंग कराएं। उन्होंने एक बस्ता भी निकलवा कर चेक किया। जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया तथा ये भी जाना कि स्ट्रांग रूम में किस तरह की पत्रावलियां हैं तो बताया गया कि खतौनियों का रिकॉर्ड है जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि ये महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है, इसे सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट MP सिंह, SDM सदर प्रशांत तिवारी, ACM राज बहादुर, डिप्टी कलेक्टर नाजिर गोपी कृष्ण एवं अन्य संबंधित पटल सहायक उपस्थित रहे।